हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सो आई होप आप सब इंजॉय कर रहे हैं इस पाथ फाइंडर की जो समरी का सेशन हमने इनिशिएट किया है, जो कि यूट्यूब पे पहली बार जो है ये इनिशिएटिव मैंने लिया है अपने इस चैनल पे स्टूडेंट्स के लिए, जो पाथ फाइंडर को लेकर बहुत से उनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि पाथ फाइंडर जो है वो हमारी सफिशिएंट है भी या नहीं, या फिर हमें स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि पाथ फाइंडर जो है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इसी बुक को, इसी इस बुक की जो मेरे आप मेरी वीडियोस देखोगे अच्छे से, जो मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ कि आपको ये बुक जो है पाथ फाइंडर की बुक जो है ये कैसे पढ़नी है और क्या पढ़ना है इसमें, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी मेरी इस चैनल पर। आप मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप उसको डेली फॉलो करो और मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है इस बुक से। बाकी जो है आपको ये करना है कि आपको जब भी आप मेरी वीडियो लेक्चर देखो तो आपको ये करना है कि आप अपने हाथ में जो है वो आपको हार्ड कॉपी जो है पाथफाइंडर की अपने हाथ में लेनी है, और जो जो मैंने पॉइंट्स बताऊँगी जो आपको वीडियो में, आपको वो अपनी बुक पर हाईलाइट करने वो पॉइंट्स, फिर आपको जो अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो अपने अपने उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिकॉज़ जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपको ड्यूरिंग रिवीजन। आपके एग्ज़ाम के टाइम में आप जब आप रिवाइज करोगे इन्हीं टॉपिक्स को, आप पूरी बुक तो रिवाइज नहीं कर सकते लेकिन वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स, जैसे मैं जो जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊँगी कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको जो है वो क्या करना है कि उनके हाईलाइटेड पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है और आपको उसी को मल्टीपल रिवाइज करना है। अब इसको इतनी पाथ फाइंडर बुक्स को आपने 3-4 रीडिंग्स देनी है सो दैट आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने हैं, आप बहुत ईजिली जो है CSNET जो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है वो क्रैक कर जाओगे, आपको गेट लाइफ साइंस जितने भी लाइफ साइंस के एग्ज़ाम बहुत ईजिली कर पाओगे। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सही होनी चाहिए, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ खुद बताऊँगी। और बाकी रही बात स्टैंडर्ड बुक्स की, स्टैंडर्ड बुक्स जो ये पाथ फाइंडर है ये स्टैंडर्ड बुक से ही जो है एक्सट्रैक्ट किए हुए मटेरियल है, इंफॉर्मेशन जो है वहीं स्टैंडर्ड बुक से ही जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है। तो आपको यहाँ पे ये जो बुक है पाथफाइंडर की, इसमें पहले भी बताया कि यही बुक जो है ये स्पेसिफिकली इन्हीं एग्ज़ाम लाइफ साइंस एग्ज़ाम के लिए और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स हैं उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए बनाई है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आप अगर वो बुक पढ़ने लग जाओ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो बुक्स अच्छी हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली क्या करना है कि इन्हीं बुक्स को रेफर करना है, इन्हीं बुक्स को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, सो दैट आप जो है अपना जो CSNET जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं वो इजली कर पाओ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो पाथफाइंडर बुक्स को बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं CSNET के जो जिन्होंने सिर्फ इन पाथफाइंडर को बुक्स को पढ़कर ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। सो मैं बोलती हूँ कि आप अगर सिर्फ यही बुक्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो आप बहुत ईजली जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाइड्रोपैथी प्लॉट। सो हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है ये हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है हम जनरली जो है ये करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को लेकर करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स लेते हैं, हम यहाँ पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को नहीं लेते, हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को ही लेते हैं। लाइक मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी ग्लाइकोफोरिन की, जो सिंगल पास में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था तो ग्लाइकोफोरिन की एग्जांपल दी। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मैं आपको बताऊँ कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो प्रोटीन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि जो स्पैन कर जाते हैं मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन से पास होके जाते हैं उसका हाइड्रोफोबिक कोर जो है उसको पास करते हैं, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है ये अल्फ़ा हेलिकल सेगमेंट से जनरली मिलकर बने होते हैं, और वो अल्फ़ा हेलिकल सेगमेंट्स जो हैं वो उनका जो अल्फ़ा हेलिकल सेगमेंट्स जो हैं वहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स होते हैं, जो जनरली वो 20 से 25 अमीनो एसिड रेजिड्यूज से मिलकर बने होते हैं।
अगर हमें ये निकालना हो तो कि हमारे पास कितने वो जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में कितने अमीनो एसिड्स होंगे, वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें मेम्ब्रेन की थिकनेस पता होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ जो थिकनेस दी है वो दी है 30 एंगस्ट्रॉम की, जो थिकनेस दी है हम लिपिड वाई लेयर की 30 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस दी है, तो हम क्या करेंगे, हम 30 को डिवाइड करेंगे 1.5 से। 1.5 से इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है कि एक अमीनो एसिड की जो लेंथ है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है और यहाँ पे जो लिपिड वाई लेयर की जो थिकनेस है वो 30 एंगस्ट्रॉम है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट 20। सो 20 जो है, 20 अमीनो एसिड रेजिड्यूज से ये जो है हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये इतने अमीनो एसिड रेजिड्यूज से मिलकर बना है। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा थिकनेस वाली अगर मेम्ब्रेन होगी, फॉर इंस्टेंट अगर 45 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस की अगर हमारे पास कोई लिपिड बाई लेयर है, ऐसी लिपिड बाई लेयर है जिसमें हमारे पास पिंजो लिपिड्स भी हैं, कोलेस्ट्रोल भी है, अगर वो 45 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस की अगर हमारे पास कोई लिपिड बाई लेयर है, हम क्या करेंगे फिर 45 को जो है उसको डिवाइड करेंगे 1.5 से, वी गेट 30 अमीनो एसिड। सो ऐसे हम अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास हमारे पास लिपिड बाई लेयर 30 एंगस्ट्रॉम की होगी, जो 30 एंगस्ट्रॉम की जो लिपिड बाई लेयर होगी उसमें जनरली 20 से 25 अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो है वो होंगे उसके मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में। अब एक और बात आती है यहाँ पे कि जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है वो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में कैसे हमारे पास किस टाइप की जो है अमीनो एसिड रेजिड्यूज होने चाहिए, अब हम बायोकेमिस्ट्री में ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगी आपको तो बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो अमीनो एसिड उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, चार्ज और अनचार्ज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में जो हमारे पास अमीनो एसिड रेजिड्यूज होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे पास नॉन पोलर। नॉन पोलर इसलिए होनी चाहिए बिकॉज आपको पता है कि हमारे पास जो हमारी लिपिड बाई लेयर है उसका जो इंटीरियर जो कोर है वो होता है हाइड्रोफोबिक, क्योंकि यहाँ पे टेल्स होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो उसकी जो टेल रीजन होती है मोनोलेयर्स, दो मोनोलेयर्स होती हैं, तो बीच वाला जो रीजन है ऐसे बहुत सारे लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, जो बीच वाला रीजन है यहाँ पे टेल रीजन ये हाइड्रोफोबिक कोर होता है। तो यहाँ पे वही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वही पास कर जाएगी, वही पास कर सकती है जिसके अंदर नॉन पोलर अमीनो एसिड रेजिड्यूज होंगे। जो नॉन पोलर अमीनो एसिड रेजिड्यू वाला जो प्रोटीन है वही स्पैन करेगा मेम्ब्रेन को, अदरवाइज अगर वो पोलर होगा तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो नॉन पोलर होना चाहिए बिकॉज उसको वो हाइड्रोफोबिक कोर को अगर वहाँ से पास करना है तो वो नॉन अमीनो एसिड रेजिड्यूज होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब हमारे पास हाइड्रोफोबिक प्लॉट क्या होता है, हम आपको बताएं कि अगर हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है अगर हमें उसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है अगर हमें पता चल जाए उसके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के अगर अमीनो एसिड सीक्वेंस पता चल जाए, एक बार हमें वो सीक्वेंस पता चल जाए तो हम क्या करेंगे उसके ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट जो है, जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन जो है उसको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नंबर और पोजिशन जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी प्लॉट से जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पे वंस द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज नाउन द नंबर एंड पोजीशन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेगमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द हाइड्रोपैथी प्लॉट। तो इस हाइड्रोपैथी प्लॉट से हम जो है उसकी जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें उस सीक्वेंस का पता चल जाए कि कौन कौन से अमीनो एसिड जो है उनके क्या किस तरीके से वो अरेंज है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स को। तो हम आगे मैं आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। इस हाइड्रोपैथी प्लॉट से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस है उसका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक वो हो गया जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो होगा ना रीजन वो हाइड्रोफोबिक होगा, और जो मेम्ब्रेन के बाहर वाला होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन यहाँ पे ऐसे है, ये जो बाहर वाला रीजन है ये हाइड्रोफिलिक होगा और अंदर वाला जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो हाइड्रोफोबिक ही होता है और बाहर जो वाटर से इंटरेक्ट करता है तो वो हाइड्रोफिलिक ही होना चाहिए। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम इस मेथड से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन जो है प्रोटीन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास पोलैरिटी है अमीनो एसिड सीक्वेंस की उसको हम पोलैरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेजरिंग
पोलैरिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज से। फ्री एनर्जी चेंज से जब वो मूव करेगी फ्रॉम हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट इनटू वाटर। देखो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर और ये हमारे पास एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। बीच वाला जो हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है साइड वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है पूरा का पूरा नहीं, फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास जो उसका हाइड्रोफोबिक रीजन है, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटीन है हमारे पास, ये जो प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इस हाइड्रोफोबिक बीच वाला जो हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट से जब वो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में आएगा, हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट से हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में जब आएगा तो हमारे पास फ्री एनर्जी में चेंज आएगा। वो जो फ्री एनर्जी चेंज आएगी, उस फ्री एनर्जी चेंज को ही हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोपैथी इंडेक्स। और कितना चेंज आया वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव किस पे डिपेंड करती है, मैं आपको बताती हूँ कि फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो जब ये प्रोटीन, यहाँ मैंने आपको बोला कि जब वो हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट से हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट में आएगा तो वहाँ फ्री एनर्जी में चेंज आएगी। तो फ्री एनर्जी चेंज जो आएगी उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोपैथी इंडेक्स। तो अगर जब ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट में होगी तो वहाँ पे हाइड्रोपैथी की वैल्यू जो होगी, हाइड्रोपैथी इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और जब वो हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट में आएगा वहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हाइड्रोपैथी इंडेक्स की जो वैल्यू उसको डिटरमाइन करते हैं कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम उसकी एनर्जी चेंज जो आएगी उसको हम देख के बता सकते हैं कि हमारे पास जो अमीनो एसिड जो है उसकी क्या पोलैरिटी होगी। जिसमें मैंने आपको यहीं से बताया कि जब हमारे पास ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है हमारे पास, जो जब ये अंदर वाला रीजन जो है इसका, ये नॉन पोलर अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, मैंने आपको बोला क्योंकि अंदर हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, बाहर वाले जो हैं उन अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे, वो अमीनो एसिड का जो नेचर होगा वो पोलर होगा क्योंकि बाहर जो है वो वाटर है, बाहर वाटर है तो वो पोलर होंगे, तो अंदर वाला जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए क्योंकि अंदर हाइड्रोफोबिक कोर है। तो इसलिए वो अंदर वाले जो अमीनो एसिड वो नॉन पोलर होंगे, बाहर वाले जो होंगे वो पोलर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो पोलैरिटी अमीनो एसिड की वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आती है कि हम क्या करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या होता है कि अब ये जो हाइड्रोपैथी प्लॉट है, प्लॉटिंग जो हम करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की, एक्चुअली हम करते क्यों हैं, हम क्या करते हैं कि एक्चुअली जब हम ये आइसोलेट करते हैं इस इंटीग्रल प्रोटीन को, जब हम आइसोलेट करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, तो हमें देखना ये होता है कि जो हमने आइसोलेट किया है हमने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, उसका कौन सा पार्ट जो है मेम्ब्रेन के अंदर था और कौन सा पार्ट जो है, कौन सा सेगमेंट जो है मेम्ब्रेन के बाहर था। तो वही चीज़ देखने के लिए हमें ये जो है ये हम टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हम करते क्या है यहाँ पे, हम इसको जब हमने आइसोलेट कर दिया, हम डिटर्जेंट वगैरह से हमने इसको एक्सपोज करने के बाद हम इसको जब हमने आइसोलेट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जब हम जो हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आया है उसको हम क्या करेंगे, अगर हम जब हम देखेंगे उसकी जो हमें सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, फॉर एग्जांपल हमें ये पता चलेगा कि अगर उसके 20 से 30 अमीनो एसिड जो हैं, 20 से 30 अमीनो एसिड्स अगर वो कंटिन्यूसली कि उस चेन के अंदर कहीं अगर हमें 20 से 30 अमीनो एसिड कंटिन्यूसली हमें वो नॉन पोलर नेचर के मिल रहे हैं, तो इट मीन्स वो जो सेगमेंट था मेम्ब्रेन के अंदर से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉन पोलर जो अमीनो एसिड्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। तो अगर हमें ऐसी चेन के अंदर कोई ऐसी सीक्वेंस मिल रही है जिसमें कंटिन्यूसली हमारे पर 20 से 30 अमीनो एसिड जो हैं वो हमें नॉन पोलर के दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो जो सेगमेंट था वो मेम्ब्रेन के अंदर था और बाकी जो थे जो पोलर होंगे वो हमारे पास मेम्ब्रेन के बाहर होंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हो इस डायग्राम पे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम अच्छे से समझनी है, इस डायग्राम को बच्चे बहुत से समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे देखो कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमारे पास इसके एक्स एक्सिस पे हमारे पास दिया हाइड्रोपैथी इंडेक्स दिया हुआ है, हम देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास हाइड्रोपैथी इंडेक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है इसके वाई एक्सिस पे रेजिड्यू का नंबर दिया है कि कितने अमीनो एसिड रेजिड्यू से मिलकर बना हो। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल दी है ये हाइड्रोपैथी प्लॉट
एक्टिंग की है हमारे पास ग्लाइकोफोरिन की। आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर ये ग्लाइकोफोरिन की है, जो हमने आपको बताया था सिंगल पास ब्रेन प्रोटीन है ग्लाइकोफोरिन। और इस डायग्राम में आपको ये इसकी आप देख के भी बता सकते हो क्योंकि आपकी इसकी पीक जो है वो एक ही हाई पीक दी हुई है। तो ग्लाइकोफोरिन का आपको जिसमें होता है सिंगल पास में ब्रेन प्रोटीन है, प्लॉट से ये बता सकते हो कि जब भी आपको जो हाई पीक्स दिखेंगी ग्राफ के अंदर, जितनी हाई पीक्स होंगी उतने हमें नंबर ऑफ पासेस हम वहाँ से डिटरमाइन कर सकते देख सकते हैं। तो इस ग्लाइकोफोरिन में आपको एक ही हाई पीक दिख रही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसका एक ही हमारे पास क्या है, वन पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्योंकि एक ही हाई पीक दिख रही है। तो ये ग्लाइकोफोरिन का पता मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से, आप और भी हम एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ से जो है हाइड्रोप्टिक प्लॉट्स, यहाँ बहुत बार क्वेश्चन नेट में भी पूछा जाता है और गेट लाइफ साइंस में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप पीक को देख कर यहाँ बता सकते हो कि कौन सा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, कितने पास वाला मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला रीजन है ये हाइड्रोफोबिक, ऊपर वाला जो है वो हाइड्रोफोबिक है और नीचे वाला जो है वो हाइड्रोफिलिक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है हाइड्रोपैथी इंडेक्स की वैल्यू जो है, जो हाइड्रोफिलिक वाला होता है उसमें जो वैल्यूज होती हैं इसकी वो नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स होता है उसका। जितनी भी वैल्यूज होंगी जो हाइड्रोफिलिक रीजन में होंगी उसके हाइड्रोपैथी इंडेक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, जो हाइड्रोफोबिक वाला होगा उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होंगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन को ड्रॉ करते हैं और ये हमारे पास कोई प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है जब ये पास करेगा, जब ये जो बाहर वाटर है वाटर से जब ये हाइड्रोफोबिक कोर के अंदर जाएगा, तो ये जो जब अंदर जाएगा तो ये ग्राफ में ये वाला सेगमेंट जो है ना ये हमें बता रहा है कि ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये वाला है, ये वाला पार्ट है। और जब ये अंदर जा रहा है तो इट मीन्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो ये ऐसे राइज कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ। जो इसकी ये जो पीक देख रहे हो, ये पीक जो है ये क्या है, जब मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी ना तो ये पीक जो है वो ये वाली पीक जो है ये शो करेगा कि जब हमारे पास मेम्ब्रेन बिल्कुल सेंटर में आए। अब दोबारा से ये अंदर से फिर से बाहर जा रहा है, इसके लिए दोबारा से जो है ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ को ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, अब जो है आप डायग्राम में देख सकते हो कि अब कुछ बच्चे जो हैं वो ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि हमें तो पीक्स ये भी दिख रही हैं, इनको क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है, इसी को क्यों कंसीडर किया जा रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये वाली जो पीक्स हैं ये हमारे पास, अगर आप यहाँ देख सकते हो ये रेजिड्यू नंबर दिया हुआ, ये ग्लाइकोफोरिन जो है ये 130 अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ का मिलकर बना हो, तो ये रेजिड्यू पूरे यहाँ तक 130 अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ का मिलकर बना हो, तो ये 130 अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ दिए हों। तो यहाँ पे अगर हम इसके इन छोटे वाले पीक्स की अगर बात करें तो छोटे वाले पीक्स जो हैं यहाँ पे ये अबाउट हमारे पास कितने अमीनो एसिड, जिसका अगर हम नंबर देखो ये 40 होगा, 40 से 50 और 50 के बीच में ये बहुत ही कम अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ शो कर रहा है, मतलब 3-4 जो है अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ जो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो है ये शो कर रहा है। तो ये 3-4 रेजिड्यू वाले अमीनो एसिड रेजिड्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम वो वाले अमीनो एसिड रेजिड्यू को कंसीडर करेंगे जो हमारे पास 10-20 अमीनो एसिड रेजिड्यू की जो विंडो होगी हमारे पास, उसको हम विंडो बोलते हैं। जो 10-20 अमीनो एसिड रेजिड्यू का जो हम लेते हैं इस कैलकुलेशन में, उसको हम विंडो बोलते हैं। जो यहाँ पे इसको यहाँ पे आप दिख रही है, इस डायग्राम में दिख रही है आपको यहाँ पे ये जो है ये अबाउट 10-20 अमीनो एसिड रेजिड्यू का मिलकर बना हुआ। फॉर एग्जांपल ये 50 है, फिर 60 आ जाता है, 70-80-90 फिर 100, तो आप देख सकते हो बीच में यहाँ 30 अमीनो एसिड जो है 20 अमीनो एसिड आ जाते हैं। ये 20 अमीनो एसिड का हमारे पास जो है ये आ जाता है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे जो हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे पीछे बताएगा विंडो का यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो 10-20 रेजिड्यूज़ का जो स्पैन आता है उसको हम विंडो बोलते हैं, उसी को हम कंसीडर करते हैं, उसी को हम कंसीडर करेंगे। अदरवाइज जब 10 से बिलो होगा, जो 10 से बिलो रेजिड्यू वाला जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स दिखेगा उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे फिर से डायग्राम में आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये भी जो है 2-3 रेजिड्यू का आ जाता है, ये भी 2-3 बिलो 10 का आ रहा है, तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो है हमारा बीच वाला ये 20 अमीनो एसिड रेजिड्यू जो है इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए इस विंडो को हम कंसीडर करेंगे। तो इसलिए ये जो है ये हाई पीक शो कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है हमारे पास जितनी पीक्स होंगी उतने ज़्यादा पासेस जो हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और डायग्राम बना के बता दूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक और ग्राफ बताती हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा प्लॉट कुछ आ रहा है,
वो ऐसा कुछ शो कर रहा है, ऐसे ऐसे पीक हमें शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ इस डायग्राम में बता सकते हो कि ये जो है इसमें कितने पासेस हो जाएंगे हमारे पास, 1, 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिड्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हो आप, ये 10 to 20 रेजिड्यूज के बीच में लाइक कर रहे हैं, तो इनको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास 3 पास में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो अगर हमारे पास ऐसे ही एक गेट लाइफ साइंस में क्वेश्चन आया हुआ था, जो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास, मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ, सब कुछ था कि ये था हमारे पास, ये ज़्यादा बन गया आई थिंक, कैसा था ये एंड देन ये करके, ठीक है, तो ऐसा था कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताया था कि हमें बताओ कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके कितने पासेज हैं, तो हम अब बता सकते हो इसमें जो है वो एक ही पीक को कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये जो ये वाले पीक है ये बहुत कम ऐसे रेजिड्यूज कंटेन कर रही है। तो यहाँ पे फिर से 10 से 20 का जो है हमारे पास नंबर दिया जाए, वहाँ से भी देख सकते हो कि नंबर जो दिया जाएगा 10 हमारे पास, देन 30, 60, 90 नीचे रेजिड्यू नंबर दिया जाए, आप देख सकते हो कि 30 से 60 के बीच में जो है, मीन्स यहाँ पे फिर से 10 to 20 के बीच में अगर लाइक करेगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज जो ये है बिलो 10 होगा तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके अंदर एक ही सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आप के 4 या अगर सेक्शन सी में आए तो वहाँ पे आप 4 मार्क्स गेट कर सकते हो आराम से, अगर सेक्शन बी में आए तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो इस तरीके से आपको ये रीड करना है ग्राफ। आई होप आपको इसको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये था ग्लाइकोफोरिन का हमारे पास हाइड्रोपैथिक प्लॉट, ऐसे बहुत सारे ग्राफ जो आपको प्लॉट किए जाएंगे, तो आप वहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो कि जितने पीक्स हाई पीक्स हमें दिखेंगे हमें उतने उसके पासेज होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ से भी CSNET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो स्टेप्स का सीक्वेंस पूछते हैं कि पहला स्टेप कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा। ये जो स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो स्टेप्स दिए हैं, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे लाइक वाइज डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो उनकी सीक्वेंस होती है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो आपको सीक्वेंस याद रखनी बहुत ईजी, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक की अगर हम बात करें, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमें देखना होता है कि हमें मेम्ब्रेन के अंदर बस प्रोटीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो टेक्निक, इस टेक्निक को हम मेम्ब्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेम्ब्रेन के अंदर उसको देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, इनिशियली हम क्या करते हैं कि इस टेक्निक में हम ब्रेन स्पेसिमेन को सबसे पहले फ्रोजन करते हैं टू नियरली लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर, अबाउट 196 डिग्री सेल्सियस पे जाके हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर पे हम मेम्ब्रेन स्पेसिमेन को जो है उसको हम फ्रोज करते हैं। तो हम उसको फ्रोज करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको मोबालाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो स्पेसिमेन, फ्रोजन स्पेसिमेन है, हम उसको फ्रैक्चर करना है विद द कोल्ड माइक्रोटोम नाइफ के साथ हमें उसको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक करना है बीच से। वो स्प्लिट होती है, वो स्प्लिट करता है बाई लेयर को मोनो लेयर में, फिर वो जो मोनो लेयर हमारे पास 2 मोनो लेयर आएंगी उनको एक्सपोज करना है हमें। उसका जब वो एक्सपोज हो जाएगा, वो लिपिड बाई लेयर एक्सपोज हो जाएगा, और हमारे पास जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं वो हम उनको ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हम ईजिली डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरीके से प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड है हम वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं हमारे पास फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के। पहला जो है वो कैरियोफिक्सेशन आ जाता है। कैरियोफिक्सेशन में हमारे पास क्या करते हैं कि कैरियोफिक्सेशन में हमारे पास आ जाता है कि हमने सबसे पहले कैरियोफिक्सेशन जो है स्पेसिमेन की करनी है बाय रैपिड फ्रीजिंग। तो कैरियोफिक्सेशन जो है पहला स्टेप ये है कि कैरियोफिक्सेशन ऑफ अ स्पेसिमेन बाय रैपिड फ्रीजिंग। कैरियोफिक्सेशन जो है वो क्या होता है, कैरियोफिक्सेशन इज अ फिक्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। तो हमें उसको पहले स्पेसिमेन को फ्रीज करना है, रैपिड फ्रीजिंग करनी है हमें। तो हम कैरियोफिक्सेशन में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, लाइक क्वेंचिंग, स्प्रे फ्रीजिंग, रैपिड फ्रीजिंग। तो रैपिड फ्रीजिंग से हम यहाँ पे कैरियोफिक्सेशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाता है फ्रैक्चरिंग ऑफ द स्पेसिमेन बाई क्लीविंग इट विद अ माइक्रोटोम नाइफ और ब्रेकिंग इट। हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्रोजन स्पेसिमेन है उसको हम क्या करना है, हमने उसको
क्लीव करना है, ब्रेक करना है नाइफ से, माइक्रो टू नाइफ से हम उसको क्लीव करेंगे, ये सेकेंड स्टेप है आपको याद रखना। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम जो है इसकी कोटिंग करते हैं। जो हमारे पास फ्रीज फ्रैक्चर प्लेन है, जिसको हमने पहले फ्रीज किया फिर फ्रैक्चर किया, इस प्लेन को हम क्या करेंगे, कोट करेंगे विद द हैवी मेटल्स अंडर हाई वैक्यूम। हैवी मेटल्स हमारे पास मर्करी हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब हैवी मेटल्स का हम यूज़ करते हैं इनको कोट करने के लिए। जो फ्री स्ट्रक्चर प्लेन हमारे पास आया है इसको कोट करने के लिए, सो दैट हमने रेप्लिका बनाना है इसका, इस जो मेम्ब्रेन, जो हमारे पास मेम्ब्रेन का हमारे पास ये स्पेसिमेन है, इसका हमने रेप्लिका बनाना है, इसलिए हम इसको कोट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कोट स्पेस जो स्टेप है वो आ जाता है हमारे पास रिमूवल ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम द रेप्लिका, फिर हमने रिमूव करना है, और फाइनली फिफ्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि हमने उसको ऑब्जर्व करना अंडर द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम जो है डिफरेंट हमारे पास प्रोटीन जो है वो हमें विजुअलाइज हो जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो विजुअलाइज कर सकते हैं। तो CSNET में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट लाइफ साइंस में भी पूछा जाता है, डिफरेंट स्टेप्स की सीक्वेंस आपको याद रखेंगे। सबसे पहले हमने फ्रीज किया, फिर उसके बाद फ्रैक्चर उसको ब्रेक किया, थर्ड स्टेप जो उसको कोटिंग की, फिर रिमूव किया, रेप्लिका जो बन जाता है उसको रिमूव करना, फाइनली उसको ऑब्जर्व करना है TEM के अंदर। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स है, बहुत ईजी है, यहाँ से आप अगर आप इसको पढ़ के जाओगे एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको, यहाँ पे भी याद मैंने करवा दिया डिफरेंट स्टेप्स को। तो ये हमारे पास फ्री स्ट्रक्चर टेक्निक, फ्री स्ट्रक्चर टेक्निक का हमारे पास एक मॉडिफिकेशन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीज इचिंग। फ्रीज इचिंग इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, जिसमें सभी स्टेप्स सेम ही होते हैं, बस यहाँ पे हम सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन मीन्स कि हमारे पास जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपोरेट हो जाता है गैस फॉर्म में, वो जो है वेपर्स में बन जाता है। तो ये स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बाकी सभी स्टेप जो है सेम होते हैं फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के। सब्लिमेशन आ जाता है यहाँ पे, मीन्स कि सॉलिड से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में, इसको हम फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक बोलते हैं। फाइनली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ये स्लाइट मॉडिफिकेशन है हमारे पास फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक की। तो आज हम जो है आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक जो है मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो CSNET में से बहुत क्वेश्चन पूछा, गेट लाइफ साइंस में भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। आई होप आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए। तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए अपनी बुक पे, जिसमें आपको बताया अपनी बुक पे हाईलाइट करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो टिल देन आई होप आई यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सो दैट जब भी हम अपनी नई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।